हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। हिमाचल में हो रहे पंचायती राज चुनावों में कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप लगाए हैं और इसको लेकर कांग्रेस चुनाव आयोग पहुंच गई है। मंगलवार को कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर सहित कांग्रेस नेताओं ने सचिवालय में चुनाव आयुक्त पी मित्रा को शिकायत पत्र सौंपा और कार्रवाई की मांग की। कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा कि प्रदेश में पंचायत चुनावों को लेकर आचार संहिता लगी हुई है और बीजेपी सरकार ने पूरे प्रदेश में जगह जगह सरकारी योजनाओं और घोषणाओं के पोस्टर लगा के रखे हैं। 27 दिसंबर को सरकार के 3 साल पूरे होने पर उपलब्धियों के बड़े बड़े होर्डिंग लगाए गए जो कि आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन है। देखिए, आप जानते हैं कि अभी हिमाचल प्रदेश में पंचायतों और स्थानीय जो निकाय हैं चुनाव हो रहे हैं और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो अभी इन्फोर्स हो गया है। 27 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 3 वर्ष पूरे किए और पूरे हिमाचल प्रदेश में कोई जगह ऐसी नहीं छोड़ी, कोई कस्बा ऐसा नहीं छोड़ा, कोई सड़क ऐसी नहीं छोड़ी जहां बड़े बड़े अपनी अचीवमेंट्स को लेके होर्डिंग ना लगाएं। और मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी इस बात का विरोध किया कि जब चुनाव आचार संहिता चल रही है प्रदेश में तो आप कैसे लगा रहे हैं। हमने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को एक पत्र लिखा कि तुरंत मामले की जांच हो और त्वरित कार्रवाई हो और इन होर्डिंग्स को हटाया जाए या किसी कपड़े से ढका जाए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए हमको आज जो मित्रा साहब है जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है हिमाचल प्रदेश के, हम आके उनसे मिले। हमने उनसे चर्चा की, हमारे संज्ञान में ये बात भी आई कि इलेक्शन कमीशन ने जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं उनको हमारे उस पत्र के बाद हिदायत दी कि कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मुझे इस बात का अफसोस है कि यहाँ से पत्र तो गया लेकिन कहीं भी डिप्टी कमीशन ने जो है कार्रवाई नहीं की। अभी हमने उनसे कहा है कि आप जो है तुरंत कार्रवाई करें जहाँ जहाँ पे भी ये होर्डिंग्स लगे हैं, और आप डिप्टी कमिश्नर जो है अगर आपकी हिदायतों का पालन नहीं कर रहे हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। उज्जवल हिमाचल के लिए शिमला से ब्यूरो रिपोर्ट।